हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हुआई मेट 20 प्रो के बारे में। हम जानेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका प्राइस क्या है और क्या यह एक अच्छा बजट फ़ोन हो सकता है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। हुआई मेट 20 प्रो को भारत में लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, इस फ़ोन को भारत में अगले महीने लॉन्च किया जाएगा। हुआई ने गुरुवार को ही एक ईमेल भेजकर फ़ोन को भारत में लॉन्च करने के संबंध में जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि हुआई मेट 20 प्रो को किस दिन लॉन्च किया जाएगा, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो हम आपको बता दें कि डिस्प्ले 6.39 इंच का है, प्रोसेसर ऑक्टो कोर है, फ्रंट कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, रिजोल्यूशन 1440x3120 पिक्सल का है, रैम 6 GB है, OS एंड्रॉयड 9.0 है, स्टोरेज 128 GB है और रियर कैमरा 40 मेगापिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल है, यानी कि पीछे का जो कैमरा है वो 3 कैमरा है। जी हाँ, अगर हम बैटरी क्षमता की बात करें तो 4200 mAh की है। हम आपको बता दें कि हुआवे में 20 सीरीज का एकमात्र ऐसा फ़ोन है जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। जी हाँ, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। हम आपको बता दें कि यूरोपीय मार्केट में हुआवे में 20 प्रो का 6 GB रैम वाला और 128 GB वेरियंट वाला फ़ोन 1049 यूरो में है, लगभग भारतीय पैसे के हिसाब से 89,100 रुपये, यानी कि 89,100 रुपये है। यानी कि देखा जाए तो फ़ोन काफ़ी महंगा है। इस फ़ोन के 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत का खुलासा भी नहीं किया गया है। और हम आपको बता दें कि देखा जाए तो यह एक बजट फ़ोन नहीं है बल्कि काफ़ी महंगा फ़ोन है, और इससे सस्ते में भी इसके स्पेसिफिकेशन का काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन मिल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सारे फ़ोनों का रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।